ग्वालियर के चावड़ी बाजार में नकली कैस्ट्रोल ऑयल बनाने वाले व्यापारियों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि यह व्यापारी नकली कैस्ट्रोल ऑयल बनाकर सप्लाई करते हैं। कंपनी एजेंट के शिकायत पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। जांच में तीन व्यापारियों की दुकान पर नकली इंजन ऑयल पाया गया, जिसके बाद उनके खिलाफ में कॉपीराइट एक्ट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ग्वालियर के आपागंज इलाके में रहने वाले वसीम अहमद कैस्ट्रोल कंपनी के एजेंट हैं। उन्होंने कंपनी में शिकायत की थी कि चावड़ी बाजार से नकली इंजन ऑयल बेचा जा रहा है। उनकी शिकायत पर कंपनी अधिकारियों ने मामले की जानकारी जनकगंज थाना पुलिस को दी। पुलिस ने इस मामले में कंपनी एजेंट के साथ मौके पर पहुंचकर जब छापेमार कार्रवाई की तो सारी घटना का खुलासा हुआ। कैस्ट्रोल कंपनी के जो स्टाफ थे उनके द्वारा, जो उनकी सर्वे टीम है उनके द्वारा नकली जो प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जाता है उसका वो इंटेलिजेंस से पता करते हैं और उसके आधार पर कार्रवाई करवाते हैं। तो कल जो है कैस्ट्रोल कंपनी के कर्मचारी द्वारा थाना जनकगंज में लिखित शिकायत दर्ज की गई कि तीन लोग जो है उनकी कैस्ट्रोल इंजन ऑयल फर्जी नकली बेच रहे हैं। उस पर से वहाँ की पुलिस ने उनके साथ में जाके वहाँ पर जाकर तस्दीक करी। तस्दीक करने पर वहाँ पर नकली कैस्ट्रोल मिला, उसको बरामद किया गया।